अच्छा मुझे जब ये रास्ता दिखाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन से जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया दोस्तों, तो बहुत सारे बदलाव मेरी जिंदगी में होने शुरू हो गए, और आज मैं उस जॉब को, प्राइवेट जॉब को रिजाइन करके अच्छी बिजनेस ले रहा हूँ। यानी कि अगर बात करूं तो मेरी एज अभी 24 इयर्स है। एक 24 साल की एज में या तो लड़के आज के टाइम पे या तो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं। इस एज में 50,000 अवर की इनकम पे ये बिजनेस मेरे को बचा के रखा है दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत है। मेरी एज में हम लोग बाइक सब चेंज करेंगे, लेकिन बिजनेस की ताकत है कि आज मैं अपनी खुद की हुंडई की i10 गाड़ी मेंटेन करता हूं। बिजनेस की ताकत है दोस्तों। आज पहली बार मौका मिला है मुझे इस तरीके से आप लोगों के बीच में रामपुर में प्रेजेंटेशन शो करने का, तो एक्साइटेड है आप लोग? 20-25 मिनट अगर आपने स्लाइड को ध्यान से देखा और आपने इसको समझ लिया, तो ये वादा करता हूँ आने वाले एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आप मेरी तरह ये स्टेज पे खड़े होंगे और बोल रहे होंगे कि एक दिन मैं भी आया था और आज मैं यहाँ से 50,000 महीना कमा रहा हूँ, 1,00,000 महीना कमा रहा हूँ। तैयार है? रेडी है? जोरदार तालियां हो सकती है शुरुआत के लिए। चलिए वेलकम है आप सभी का गेटवे टू सक्सेस के अंदर। नेक्स्ट, देखिए सभी के दौड़ सक्सेस के लिए है। हम लोग यहाँ पर सभी लोग सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं। यस या नो? ये दो तरीके के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक लेफ्ट कैटेगरी एक राइट कैटेगरी। यानी कि 5% लोगों में टाटा बिरला, अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर ऐसे लोग दिखाए गए, और 95% कैटेगरी में एक दुकानदार, एक नौकरी करने वाला, एक किसान, एक गरीब आदमी दिखाया गया। आप लोगों की नजर में सफल आदमी कौन से ज्यादा सफल है, 5% वाले या 95% वाले? 5% वाले। यानी कि हम लोग जो सफलता का आकलन करते हैं वो करते हैं पैसे से। यस या नो? क्यों? हम लोग देखते हैं हमारे मोहल्ले के अंदर जिसकी कोठी ज्यादा ऊंची होगी हमारी नजरों में भी होता है फला आदमी ज्यादा सफल है। यस या नो? बिल्कुल सर, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो ये सच्ची घटना है। लेकिन पैसा कमाने के रास्ते क्या क्या है हमारे पास? E4 एम्प्लॉय, या तो हम नौकरी करके पैसे कमा सकते हैं। S4 सेल्फ एम्प्लॉय, कोई छोटा मोटा खुद का हम काम कर लें अपना। B4 बिजनेसमैन, हम टाटा बिरला अंबानी की तरह फैक्ट्रियां लगा लें तब भी हम पैसे कमा सकते हैं। I4 इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसे लोग जिनके पापा दादा लोग अरबों रुपया छोड़ के चले गए हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अरबों रुपए का ब्याज खाते हैं, ऐसे लोग। लेकिन इनको दो कैटेगरी बांट दिया गया, एक लेफ्ट कैटेगरी एक राइट कैटेगरी। लोग सिर्फ नौकरीबाजी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट सर, और ये 5% ही लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन 95% लोगों के पास मात्र इस दुनिया का 5% पैसा है, और ये 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। ये 6 तथ्य निकाले गए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है और एक अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है? ऐसा क्यों है, उसके ऊपर एक वाक्य बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, और अकेले काम करने से आप 8 घंटे 10 घंटे हद से हद 12-16 घंटे काम कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से लिमिटेड इनकम कमा पाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 जितनी कैपेसिटी है इतनी कमा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वह इनकम एक्टिव होती है, अगर करते हैं तो आता है, जिस दिन ऐसा होता है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं ये देखिएगा, ये जो लोग सपने पूरे कर लेते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग टीम वर्क करते हैं, अकेले काम नहीं करते, इनके लिए टीम काम करती है। और जब वो टीम काम करती है तो उस टीम को ये तो पता होता है कि मेरी सैलरी कितनी है, किसी भी वर्कर को ये नहीं पता होता मेरा मालिक पर डे कितना कमा रहा है। यस या नो? तो इनकी इनकम होती है अनलिमिटेड, फिर इनके लिए टीम काम करती है तो इनकी इनकम अनलिमिटेड होती है, और इनकी इनकम पैसिव होती है, इन्हें टेंशन नहीं होती है कि गेट कौन खोलेगा और अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, इनको इनकम आ रही होती है। अगर ये 2 दिन काम पे नहीं भी जाए तब भी इनको पैसा आता है, ये होता है पैसिव इनकम। हमें से हर बंदा चाहता है कि लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में आया जाए, चाहते हैं क्या? ऐसे कितने सक्सेस जो चाहते हैं कि हम भी 95% से उठ के 5% में आए? सर है कुछ लोग ऐसे? सारे लोग बैठे हैं सर, तालियां हो सकती है एक बार? चलिए अच्छा लगता है जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो तो बताना भी अच्छा लगता है। देखिएगा, हम सब चाहते हैं कि हमारे नीचे भी टीम काम करे, हम सब चाहते हैं कि हमारी इनकम भी अनलिमिटेड हो, और हम सब चाहते हैं कि हमारी इनकम भी पैसिव हो, काम ना करें तब भी आए। लेकिन क्या हम लोगों के पास आज के टाइम पे बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया है? शायद नहीं। होगा भी तो हमारे पास उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, अगर होगा भी तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, और अगर ये सब भी हुआ तो रिस्क सहन करने की क्षमता नहीं होती। सुनो, बिजनेस में ऐसा होता है, इसीलिए एक आम आदमी कभी बिजनेस की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाता। लेकिन एक ऐसा रास्ता आपके सामने रखने वाला हूं मैं, बैक सर, एक ऐसा रास्ता रखने वाला हूं जिसमें ना तो करोड़ रुपया चाहिए आपको, ना ही एक्सपीरियंस चाहिए, ना ही नॉलेज चाहिए, और रिस्क होने की कोई बात ही नहीं, नुकसान ना होने की पूरी गारंटी है। एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जोरदार तालियां इसके लिए हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, ये क्या है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये मार्केट में चल रहा है। क्या? ये देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा निर्माता जो सामान बनाता है वो सामान उपभोक्ता तक पहुंचता है। अपनी भाषा में बात करके बताऊंगा, एक फैक्ट्री से बना हुआ माल बनता कस्टमर के लिए है। यस या नो? जो माल फैक्ट्री बनता है वो कस्टमर के लिए बनता है, लेकिन क्या फैक्ट्री वाले डायरेक्ट कस्टमर के घर देने आते हैं? क्या नहीं, एक सिस्टम बीच में काम कर रहा होता है, जिस सिस्टम के थ्रू, मिडिलमैन चैनल्स के थ्रू, ये माल एक दूसरे के हाथों में होते हुए कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन एक बात आपको ही पता है, अगर कोई चीज आप 100 रुपए की लेकर आ रहे हैं तो क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्री में वो 100 रुपए की बनती है? नहीं,
10 से लेके 30 रुपए में हर बड़ी से बड़ी चीज बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते वो चीज 100 रुपए की हो जाती है। यानी कि बीच का कम से कम 70% पैसा बीच का चैनल आता है जिसको बोलते हैं विज्ञापन करता। जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अमिताभ बच्चन, धोनी वगैरह, ऐश्वर्या राय वगैरह, ये लोग भी अरबों रुपया कमाते हैं। और ये बीच का पैसा इन लोगों में ना बटे, इनको बाईपास करके डायरेक्ट कस्टमर तक माल पहुंचे, इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट सर, इसको पूरी भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में यूएसए, जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड जैसी कंट्रियां बड़े स्तर पर कर रही हैं। आप लोगों के अनुसार यूएसए एक डेवलप कंट्री है, जापान एक डेवलप कंट्री है, शायद ये इंडिया से डेवलप कंट्री है। अगर ये कंट्रियां इस बिजनेस को इतने सीरियसली कर रही हैं कि 2 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर इतने बड़े टर्नओवर पर जा रही है, तो इसका मतलब ये काम जेन्युइन काम है और इसको लीगल तरीके से करा जा सकता है। इंडिया की अगर बात करें तो 7631 करोड़ पर ही हम अभी पहुंच पाए हैं, जबकि और कंट्रियां 1 लाख 2 लाख भी पार कर गई। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं। यस या नो? हम लोग किसी भी चीज को बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं। हमारी इकलौती ऐसी कंट्री है इंडिया जहां सिलेंडर लगवाने के लिए कम से कम 9 साल सरकार को वेट करना पड़ा कि नहीं फट जाएगा, पेट में गैस आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा था या नहीं था? लेकिन आज कोई घर है ऐसा जिसमें सिलेंडर ना हो? शायद नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जहां बिजली के लिए प्रॉब्लम थी, नहीं लाइट पकड़ लेगी, लेकिन आज हर घर में लाइट जा रही है। दोस्तों, इसी तरीके से क्या आंकड़े लगाए गए हैं कि